नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम कर सकते हैं भोजपुरी में अश्लीलता को लेके। आप इस बात से कहीं नहीं पीछे हट सकते कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत ज़्यादा है। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता को निकालने के लिए बहुत सारे लोग विवाद खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये विवाद पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी चलता रहेगा। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असल वजह क्या है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता का और इसको हटाया कैसे जा सकता है। देखिए, हटाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका बिहार का नाम खराब हो रहा है, आपकी संस्कृति का नाम खराब हो रहा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार की भी कोई इज्जत नहीं की जाती है जब ये कहते हैं कि हम भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। बाहर चलो और ऑटो पे बसता है तो बहुत बेकार लगता है, सुन नहीं पाते, बहुत गंदा रहता है। मे बी भोजपुरी सॉन्ग्स बिहार का कल्चर बता सकते हैं क्या। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आखिर भोजपुरी ही क्यों। और भी इंडस्ट्री में बहुत गंदे गंदे गाने आते हैं, लेकिन भोजपुरी ही इस कदर इतना गंदा बदनाम क्यों है। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट वन समझना होगा। पॉइंट वन ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गंदा गाना गाने का कोई क्लास ही नहीं है। मतलब कोई भी सुपर स्टार उठ के आता है, माँ बहन बेटी भाभी प्रेमिका पे गंदे गंदे भद्दे भद्दे गाने गा देता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार हैं उनके कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर आके गाली देते हैं कि एक मिनट के लिए अगर आप सब बेघर से हैं तो आपके कान से खून निकल जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि बॉलीवुड में जितने भी अश्लील गाने होते हैं उसमें एक क्लास होता है। मतलब अगर आपको अश्लीलता भी दिखाना होगा तो कुछ इस लेवल का अश्लीलता दिखाएंगे। अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच प्यार दिखाना होगा तो उसमें बोल्ड सीन तो हो सकता है, लेकिन फूहड़पंती और समाज को खराब कर देने वाला चीज आपके सामने नहीं परोसा जाएगा। दोस्तों, अगर खेसारी लाल यादव की तरह आपको भी लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता तो है ही नहीं, सब नजरिया का दोष है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े सुपरस्टारों ने माना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अश्लील था। सबसे पहले बात करते हैं रितेश पांडे के बारे में कि बहुत पहले से इस पे आवाज उठनी चाहिए थी, अभी उठ रही है तो अभी सबको सबक लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे खेसारी लाल यादव, पूरे खानदान को लपेट दूंगा, जिनका आपने देखा होगा चाची की बाची डिलीट करवाना पड़ा था। मतलब ये अश्लीलता के वजह से ही इस गाने को डिलीट कराना पड़ा था। पवन सिंह जो करंट जैसे गाने को लाके ये चीजों को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि अब भोजपुरी को बदलना जरूरी है। पवन सिंह का करंट गाना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक जागरूकता लाने के लिए काफ़ी है कि कैसे भोजपुरी में पहले इतने खराब और अश्लील गाने बनते थे और अब इस तरीके के गाने बन रहे हैं। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जितने भी गाने बनते हैं वो चोली साड़ी लहंगा भाभी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और यहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि देवी गीत में प्रेमिका और वैसे गंदे गाने के ट्रैक पे देवी गीत को गवाया जाता है जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता का मोहर लेके बैठा हो। दोस्तों, हम आपको बता दें ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये हमारे बिहार का कल्चर है, ट्रेडिशन है, और इसको गंदा करने के लिए सुपरस्टार इस तरीके के काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझा कि अश्लीलता होता क्या है। अब हम आपको समझाते हैं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है। इसके मुख्यतः चार तरीके हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है हमारे बड़े सुपरस्टार जिनको हमने इतना ज़्यादा ताकतवर बनाया है कि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके, हर जगह पे जाके, जैसे कपिल शर्मा शो हुआ, बिग बॉस जैसे जगह पे हुआ, यहाँ पे बिहार को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना ये लोग, तो ये लोगों को सोच समझ के गाना गाना चाहिए। एक दिन में दो दो तीन तीन गाने को अपलोड नहीं करें पैसे कमाने के चक्कर में कि कितना हूँ गाना गा दिए और किसी तरीके का गाना गा दिए और अपने बिहार की छवि को ख़राब कर दिए। दूसरा तरीका है दर्शक और छोटे मोटे लोगों पे ध्यान ना दें। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि सुपरस्टार दर्शक के वजह से ही होता है, लेकिन दर्शक और सुपरस्टार से भी ज़्यादा बड़ा है अपना भोजपुरी और अपना बिहार। सबसे पहले इन लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जातिवाद और एक दूसरे को टारगेट करना बंद करना चाहिए। जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर को स्ट्राइक देके क्या ही फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तीसरा तरीका है आपको समझना होगा किसकी मानसिकता क्या है। आपको पहचानना होगा दलाली और सच्चाई में फ़र्क। मान लेते हैं खेसारी लाल यादव का एक गाना आने वाला है, कोई उनका दलाल एक गाने के लिए 10 वीडियो अपलोड कर देता है। अब आप ये बताओ कि गाना आने वाले से पहले ये लोग अपने न्यूज को उनके गाने के आगे पीछे दहिने बाएं रैंक करा लेते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए इस न्यूज के इस पोस्टर को देखिए, क्या ये इंसान आपको मूर्ख नहीं बना रहा है। दोस्तों, पहली बार में कोई भी इंसान अगर इस पोस्टर को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये खेसारी लाल यादव का गाना है।
और इन लोग जैसे चमचे जो इस तरीके का पोस्टर बनाते हैं वो सुपरस्टार के स्टारडम को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चम्मच एक डब्बे में रह के उस डब्बे को ही खाली कर देता है और फिर उसमें से निकल जाता है, वही हैं ये लोग। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी छोटे मोटे सिंगर हैं वो अश्लील गाना गाएंगे ही, आप कितना भी सुधार लीजिए वो सुधरने वाले नहीं हैं। हमको सुधारने की ज़रूरत है उन सुपरस्टारों को जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जैसे सुपरस्टार अच्छे गाने गाते हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अश्लीलता फैलाने वाले आएंगे ही, फैलाएंगे ही, इससे किसी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता को भगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह है इंस्टाग्राम का यूजर आईडी, यहाँ पे आके हमको फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप आके हमको फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।